हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रिश आयो और मैं आज आपको करके बताऊंगी केक, ओरियो केक। सो चलिए तुरंत बढ़ते हैं हमारे केक की तरफ। केक के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट, शुगर एंड मिल्क। सो अभी हम लोग ने ओरियोज ले लिए। अभी ओरियो को हम लोग को एकदम क्रश कर देना अच्छे से। मैंने बिस्किट को ऐसे आधा क्रश करके ऐसे ही छोड़ दिया और इसमें मुझे जितना चाहिए उतना मैंने शुगर डाल लिया है नीचे। और मुझे और चाहिए तो मैं और डाल सकती हूँ इसमें। और अभी इसको मैंने इसको फाइनली क्रश कर लिया है शुगर के साथ। और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिल्क। पहले इसको एक कंटेनर में अभी मैंने इसको कंटेनर में रख लिया है। अभी इसके अंदर हम लोग मिल्क डालेंगे। मैंने इसमें अच्छे से मिल्क ऐड कर दिया है जितना कंसिस्टेंसी के हिसाब से चाहिए। और ये हो गया है। अभी इसको नेक्स्ट स्टेप, अभी हमें इसे माइक्रोवेव करना है पूरा 80 सेकंड्स के लिए। ये 80 सेकंड्स के लिए हम लोग इसको माइक्रोवेव होने देते हैं। ऐसे हमारा केक माइक्रोवेव में है, हमारा केक माइक्रोवेव है। तब तक मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो इधर से इधर हम लोग को 80 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर आप गैस पे उसको एक पतीले में बड़े से, मतलब पतीले दूध वाला पतीला मत लेना, आपको पता ही होगा आप देख रहे हो तो उसके अंदर वो कंटेनर डाल के उसको ऊपर से ढक देना कुछ 5 to 7 मिनट्स तक। और फिर वो उसको निकाल देना। तो एक बार टूथपिक अंदर डाल के देखना, अगर टूथपिक पे कुछ चिपका है तो समझ लेना कि केक आपका हुआ नहीं है, तो उसको और होने देना। तो अभी हम लोग चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ, देखते हैं ताकि किधर तक पहुंचा है। गाइस, ये केक ओवन से बाहर निकाल दिया मैंने और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और आई होप आपको भी ये पसंद आया है, आपने देखा और शायद आपको पसंद भी आया होगा ये केक। मैंने बहुत इजीली बना लिया इसको, यानी मैंने बनाया इसको, सिर्फ वो ग्राइंड मम्मी करके दे रही थी मुझे। सो गाइस, आप बना सकते हो केक विद इन सो लेस टाइम। आपने देख लिया होगा वीडियो भी बहुत छोटा था और मुझे ये लंबा भी नहीं करना है। सो आपने अगर ये केक ट्राई कर लिया है तो ये केक आपका कैसे बनाई है मुझे कमेंट करके बताना, अगर कमेंट टर्न ऑफ नहीं हुई तो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो ऑन TRIANSH व्लॉग्स। हाई फाइव, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉय।